दोस्तों, एक बड़ा मुद्दा निकल के सामने आ रही है। जिस तरीके से ये एक नोटिस आई है कि आपका जो है वो फोटोग्राफ्स है या आपके सिग्नेचर है जो कि गलत या इनएप्रोप्रिएट डाला गया था, जिसकी वजह से कुछ दिन उनको दिया गया है। जो बच्चे एलपी में फोटोग्राफ्स वगैरह गलत डाल दिए थे तो उनको 4 दिन का मौका मिला है। 27 से आपको मौका मिला है। तो क्या इससे एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा? आपके क्वेरी आ रहे थे, आपने व्हाट्सएप पे भी पूछा, आपके कमेंट भी आ रहे थे, तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में क्वेरी आ रहा होगा कि रेलवे क्या करता है ना, कि कुछ ना कुछ बीच में अपडेट देता है और उसकी वजह से, बीच में कुछ अपडेट देने की वजह से एग्ज़ाम है वो आगे बढ़ा देता है, या आप कह सकते हैं कि अनसर्टेन हो जाता है कि कब एग्ज़ाम लेगा। तो मैं आपको बता दूं कि रेलवे जितने भी अभी तक प्रोसेस किया है वो मुझे लग रहा है एक सॉलिड है। अभी तक का जितने भी प्रोसेस है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। प्रॉपर अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर रहा है। जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन निकाल रहा है, जो बच्चे को दिक्कतें हो रही है तो उसके लिए टाइम वो दे रहा है, जैसा कि अभी आपको 4 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिला। ठीक है, पेमेंट के लिए बहुत सारे बच्चे का पेमेंट नहीं आया, मतलब फी रिफंड, तो उसके लिए अलग से फिर से पोर्टल प्रोवाइड किया गया। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं मैनेजमेंट, मुझे लग रहा है कि स्मूथ है। तो क्या मैनेजमेंट इस स्मूथनेस की वजह से आपका एग्ज़ाम आगे बढ़ा देगा इसी तरीके से, जिस तरीके से अभी कर रहा है कि 4 दिन और समय दे रहा है, 5 दिन और समय दे रहा है? तो मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ कि इसमें आपको एग्ज़ाम डिले संबंधित कोई भी चीज़ें नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो 4 दिन दिया गया है ये मिनिमम टाइम है। आपको 4 महीने नहीं दिया गया है कि 4 महीने तक आप इसी तरह के कामे में अपने आप को इंडल बिजी रखे। 4 दिन कोई बड़ा चीज नहीं होता है। मौका मिलना चाहिए, सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप भी उस जगह होते कि आपका फॉर्म किसी वजह से रिजेक्ट हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है कि रेलवे ने ऐसा काम किया है कि जो बच्चे छूट गए हैं उनको मौका दिया जा रहा है। इससे आपके एग्जाम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जाम कब होगा ये मेन मुद्दा है। तो एग्जाम आपके जुलाई में, मिड जुलाई में संभव दिख रही है, क्योंकि रेलवे ने खुद बताया है कि जून से लेकर अगस्त तक वो एग्जाम कराएंगे। जून में सरकार का फॉर्मेशन होगा, मंत्री वगैरह गठन होते होते इधर उधर अगर मोदी जी नए आने के कगार पर रहे तो तोड़जोड़ भी शुरू होगा। तो इस तरीके से पूरा जून यही सब चीज़ों में चला जाएगा। उसके बाद आप मान के चलो कि जुलाई के मिड में आपकी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपके जो है वो एएलपी के एग्जाम हो जाए। तो आपके पास टाइम बहुत कम है, तकरीबन 2 महीने मैक्सिमम आप मान के चलो। और इस बार जो आपके शिफ्ट होंगे, तकरीबन 25 लाख के अराउंड फॉर्म गिरे हैं, तो ज़्यादा शिफ्ट होंगे भी नहीं, ज़्यादा दिन लगेगी भी नहीं, 10 से 15 दिन में मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि आपके एग्ज़ाम निपटा लिए जाएंगे। तो आप एकदम से हाई मोड में रहिए, यानी कि एकदम से धुआंधार बैटिंग की तरह आप अपने आप को बिजी रखिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्शन में क्या होगा वो छोड़ दीजिए, क्योंकि उस पर आपका कोई मतलब कि आप कह सकते हैं कि बनता भी नहीं है कि आपको कुछ सोचने से इलेक्शन का रिजल्ट प्रभावित होगा। तो आप अपने लिए सोचिए, पढ़ाई स्मूथ रखिए, एकदम से हार्ड रखिए, और एकदम से इसी बात क्रैक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका एज होगा उतना कॉम्प्लिकेशन आपके दिमाग में बढ़ेगा, उतना प्रेशर बढ़ेगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम निकालने की क्षमता खोते चले जाएंगे। अभी यंग है, आपको एकदम से अच्छा लगेगा पढ़ाई करने में, मन भी लगेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।